हेलो साहिल भाई, कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर। मोमिन है सर? आप हाँ, मोमिन हूँ मैं। नमाज उमाज पढ़ने वाले मोमिन है या हल्के फुल्के है? नमाज नहीं पढ़ता ब्रो मैं। हाँ, सूरह इरा कोई आता है आपको? पढ़िए। सूरत आती है ना? कौन सी सुनाऊँ? ये 10 इन आते ना कल को सर फसल रबी का वन हर इंसानियत को वो लगता है। और कोई सुनाओ। हाँ सुनाओ, जो जो याद है तब्बत सुना यदा दिया। तब्बत यदा अभी लहबी व तब मागना नु मालू अमा का सब सहसला नारन जाता लिए सहसला नारन जाता सॉरी तब्बत यदा अभी लहबी व तब मागना तब्बत यदा अभी लहबी व तब मागना नु मालू अमा का सब सहसला नारन जाता। नहीं आता यार, इतना अच्छा, इतनी आती है। जिसका फिर हाथ तोड़े तोड़ने की बात चल रही है इस आयत में, उसी का नाम आप नहीं ले पा कुल्हु रहे हैं। उसी कुल्हु के नाम से अल्लाहु तो इसकी अहद पूरी अल्लाहु आयत है। समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। फिर आती है भाई कुलो पारा हुआ अम्मा के लिन्नास। अलावा भी कोई पारा आपको याद है? सुने, ये तो बिल्कुल। भाई पारा अम्मा के अलावा भी कोई और पारा पढ़ा है कि नहीं आपने? क्या मोमिन नहीं आते हैं भाई सिर्फ पारा नहीं, अम्मा के सुनाते हैं? मतलब 29 पारा और आप लोग पढ़ते ही नहीं है क्या? सिर्फ एक पारे पर ईमान रखते हैं? बात तो सही है आपकी, पन नहीं कर पाता हूँ आसान मैं इतना आसान सब। लगता होगा, छोटी छोटी सुरा इसलिए ना। ऐसा भी कह सकते हो आप, सही बात है। फिर आपसे ठीक क्या है बातें करें, चलिए। आप तो उतना चले सर। हाँ नहीं, मैं कह रहा था कि मोमिन ही है ये। तो भाई नमाजें भी नहीं पढ़ते, हालांकि अल्लाह के रसूल तो कहते हैं कि एक मुस्लिम और एक गैर मुस्लिम में, काफिर में फर्क करने वाली चीज नमाज है। सही बात है। तो आप सीरियसली नहीं लेते अपने रसूल को? सीरियसली नबी बस कोई फरमाते हैं जवाब नहीं कुर्रतु आपके। आइनी फी हाँ सलात, नबी ने फरमाया सही ना, बात है। कुर्रतु आइनी फी सलात, अगर कोई नमाज पढ़ता है तो वो मेरी आंखों की ठंडक है, मुझे बहुत सुकून मिलता है। हाँ हाँ तो आप बिल्कुल नबी को बिल्कुल। सुकून पहुंचा ही नहीं रहे, उनको तकलीफ दे रहे हैं। हाँ सही बात, आप सही बात क्या है, सीरियसली नहीं ले रहे पर अपने नबी को। मैं थोड़ा मैं एकदम हार्डकोर मोमिन तो नहीं हूं, पर देखो बेसिकली मेरा बहुत सारा कंफ्यूजन है, जैसे कि रिलीजन को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो मैं नॉन बिलीवर तो नहीं हूं, पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं मेरे फेथ को लेकर कि मुझे क्या फॉलो करना चाहिए। पर मैं नॉन बिलीवर तो नहीं हूं, पर कुछ कुछ ओके। चीज़ें मुझे इस्लाम की पसंद है, कुछ कुछ चीज़ें मुझे नहीं पसंद है। क्या जैसे आपको कि इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है कि आप इस्लाम की चीजों को नापसंद समझे? तो नहीं, वो इजाजत नहीं देता है इस्लाम। फिर आप फिर मुसलमान कैसे रहे? आप तो निकल गए, खारिज हो गए। क्योंकि देखो वो मैं इसलिए बोल रहा इस्लाम हूं। में नहीं, एक एक चीज है कि कोई चीज जब तक जबान पे नहीं आती, अभी मैंने बोल दिया आपके सामने ये बात, तो अभी क्योंकि मुझे बात करनी खा नहीं, मुझे बात करनी थी इसलिए मैंने बोला। पर तो निकल गया ना अभी जबान से, तो जबान पे भी आ गई। हाँ, जबान पे आ गई नहीं, बात। साहिल भाई इनका स्टेटमेंट ले तो लें, बल्कि जो ये कहना चाह रहे हैं ये और जबरदस्त होगा। जी भाई, हाँ, तो जैसे कि मैंने आपके सामने बोल दिया, क्योंकि ये बात मुझे करनी थी आपके सामने। जैसे हाँ मैं एक एक फॉर एग्जांपल, मैं बचपन से मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ, ठीक है? तो ये बात मैं किसी से वैसे कर नहीं सकता। आपको भी पता है कि अगर मैं फैमिली में ऐसे बात करूं तो क्या हो जाएगा, आपको भी आइडिया होगा। राइट। तो तो हाँ, ऐसे खतरनाक तो मजहब को आप दिल से भी क्यों अच्छा मान रहे हैं? कुछ कुछ चीज़ें मुझे पसंद है भाई इसमें, कुछ कुछ चीज़ें पसंद है, कुछ कुछ चीज़ें। और मैं इसको मैं एक्चुअल में जो जैसे कि जन्नत जहन्नम की बात आती है ना, वहाँ पे मैं बहुत ही वो हो जाता हूँ कि अगर वाकई में जहन्नम है तो मैं जहन्नम में नहीं जाना चाहता, समझ रहे हो ओके बात? डर तो हाँ, और डर फियर। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊँ कि दूसरी चीज मैं बताऊं कि जब भी मेरे सामने कोई ऐसा सवाल आता है, कोई भी सवाल, जैसे कि इस्लाम इलॉजिकल बात अगर इस्लाम की हो गई फॉर एग्जांपल, कोई इलॉजिकल बात, अगर आपने कोई अभी आप ये स्ट्रीम में बात कर रहे थे कि भाई ये कुएं के पानी वाला, तो वो बात मेरे समझ में नहीं आई। यानी मैं मुझे थोड़ा आपकी बात सही लगी, थोड़ा इस तरह ऐसा लगा कि भाई ये इलॉजिकल हो सकता है।
तो अगर इलॉजिकल बात मेरे सामने आती है तो फिर मैं उसके पीछे थोड़ा रिसर्च करता हूँ, आपकी स्ट्रीम में देखता हूँ, मैं फॉलो भी करता हूँ आपको, और फिर कुछ कुछ जगह पे मुझे लॉजिक मिलता है, जैसे कि जाकिर नायक को सुन लिया, फिर कभी कभी मैं मुफ्ती मैन को सुन लेता हूँ, फिर क्या लॉजिक मिला कभी आपको, वो बताएं किस चीज में लॉजिक मिला? कभी जैसे कि एक सिर की बात थी, सिर्क किसकी? सिर्क सिर्क वाला सिर्क सिर्क का जो क्वेश्चन था, हाँ सिर्क का हाँ क्वेश्चन मुझे बहुत हर्ट करता था, बिकॉज के मेरे भी फैंस है हिंदू बहुत सारे, तो और वो बहुत अच्छे हैं, यानी मेरा एक दोस्त है पुरुषार्थ और मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा बोले तो बहुत ही अच्छा है, यानी उसके जैसा बंदा अच्छा, मैंने कभी आप लाइफ में नहीं नाम देखा। वाम ना बताएं भाई, क्योंकि आप जो है वो आपको लाखों लोग देखेंगे सुनेंगे बाद में, फिर आप मेरे को हाँ बोलेंगे हाँ मैंने इसका नाम बता दिया, मेरी जान को खतरा हो गया, ये हो गया, पर्सनल डिटेल कुछ भी ठीक ना बताए। है, तो वो बहुत ही अच्छा है, दूसरे भी दो तीन दोस्त हैं मेरे बहुत ही अच्छे हैं, वो बहुत ही अच्छा है, नहीं मेरी भी बहुत बहुत हेल्प करते, लोगों की भी बहुत हेल्प करते वो लोग, ऐसा नहीं कि गरीबों की हेल्प करते, तो मुझे तकलीफ होती थी इस चीज से कि शिर्क वाला जो सिचुएशन है कि वो इस्लाम में सही में बहुत ही क्रूअल है, मैं अगर कहना चाहूँ तो, कि अगर कोई बंदा अगर अल्लाह को नहीं मानता तो वो मतलब कि वो जहन्नम में जाएगा अगर कितना भी अच्छा बंदा हो। पर फिर मैंने ये सोच, फिर मैंने कुछ वीडियोस देखे जाकिर नायक के वगैरह, तो उसमें से मुझे पता चला कि आफ्टर ऑल अल्लाह मालिक है, तो अगर उसके लिए ये शिर्क वाला गुना उसके लिए बड़ा ही हो सकता है, रीजन बीइंग के अगर वो उसने ही अपने को बनाया है और हम उसको ही नहीं पहचानेंगे तो फिर उसको बुरा लगेगा ही, ऑब्वियस है, बट ऑब्वियस है, तो फिर पर फिर ब्रो ये गोल गोली मतलब कि ये गोल गोली घूमता रहता है मेरे माइंड में कि नहीं तो फिर ये आप यहां कन्विंस से। नहीं हाँ हुए ना उसके आर्गुमेंट से, ये आर्गुमेंट को तो अभी तोड़ दूं मैं। हाँ भाई ये आर्गुमेंट को तो मैं अभी तोड़ दूं, सही इसमें बात कौन है, सा उसने कन्विंसिंग आर्गुमेंट दे दिया? आप सबसे पहले तो कन्विंसिंग ये ये है, बताओ। कन्विंसिंग ये है, कन्विंसिंग ये है कि अगर अगर मैं एक अगर मैं मालिक हूँ और मेरा नौकर मेरी बात नहीं मानता तो मैं ऑब्वियसली उसको काम से निकालूंगा या उसको हटाऊंगा वहां से, या तो कोई ना कोई सजा दूंगा या उसकी कुछ भी मतलब के, तो अल्लाह आफ्टर ऑल मालिक है, तो अगर और दूसरी चीज मेरे को ये समझ में आई, हाँ मैं ये बता सकता हूँ कि ये चीज तो है कि चाहे बंदा फॉर एग्जाम्पल वो मूर्ति अरे थोड़ा पूजा जल्दी वगैरह जल्दी नहीं करता बोलो हूँ, भाई। हाँ सॉरी भाई मेरा बोलने का तरीक मैं थोड़ा वो हो जाता हूँ ना तो ऐसे ही बात करता हूँ मैं, नर्वस हो गया हूँ मैं इसलिए, तो मैं ये बता अच्छा रहा हूँ कि समझ लो मूर्ति पूजा वगैरह, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई बंदा अगर गॉड में बिलीव करता है तो वो जहन्नम में नहीं जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर गॉड में बिलीव करता है वो बंदा तो वो 100% वो जहन्नम में नहीं जाएगा, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो क्रिश्चियन हो के कोई भी हो। क्या ये बात आपको जाकिर नायक ने ऐसा बोली कोई भी बयान नहीं में? जाकिर, नहीं जाकिर नायक ने ये हिसाब से नहीं बात करी है, पर ये मैं मेरे लॉजिक से बता रहा हूँ जो मैंने सिर्फ को तुम्हारा मैंने लॉजिक समझा है। सुनो, तुम्हारा लॉजिक जो है वो इस्लाम का लॉजिक नहीं है ना। इस्लाम तो साफ साफ नहीं कहता है काफिर को, काफिर जो होगा उसको हमेशा हमेशा जहन्नम में जलाएगा अल्लाह। शिर्क ऐसा गुनाह नहीं है भाई, जो माफ नहीं पर करेगा। एक जगह पे मैंने ये सुना है जाकिर नायक के मुंह से कि जैसे कि इस्लाम को हासिल करने के लिए पूरा कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पूरा कलमा है ठीक है, अभी कयामत के करीब करीब कोई टाइम ऐसा भी आएगा जहां पे सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले लोग भी, खाली हुजूर साहब को पहचानने वाले लोग हो गए ही नहीं, खाली अल्लाह को पहचानने वाले लोग होंगे, तो नहीं वो ऐसा लोग नहीं भी है, जन्नती है। ऐसा नहीं है, कोई नहीं भी ये मैं इसमें नहीं। सुना है, नहीं सुनने मैंने से क्या होता है, फैज अहमद के बयान में सुना है 100% सुनने से फैज क्या अहमद होता है, वो हदीस पेश करे, कौन सी हदीस बोले ऐसा कि जो रसूल को नहीं माने सिर्फ अल्लाह को भाई, माने वो भी जन्नत में जाएगा? फैज अहमद के बयान में मैंने ये सुना है भाई, अरे बयान में ये सुना मैं है, मेरे को वो हदीस चाहिए जहां पे हो कि रसूल की रिसालत का इनकार कर दे और सिर्फ अल्लाह को माने तो वो जन्नत में जाएगा, बल्कि जो ऐसा कर नहीं रहा है वो खुद खुदा कुरान के अगेंस्ट में जा रहा है वो।
अगर वो वाकई में ठीक है, इस्लाम मुझे वाले अल्लाह हदीस को मान रहा नहीं है, नहीं रमेश हदीस थोड़ा तो सुन मुझे लो मेरी बिल्कुल, बात, हाँ, बोलो बोलो। अगर वो लॉजिकली भी ऐसा ही नहीं है वो इस वजह से, क्योंकि अगर वो कुरान वाले अल्लाह को मान रहा है तो वो कुरान का दारोमदार जो है वो पूरा आया तो रसूल के जरिए से ही और उसी नहीं कुरान लेकिन में साहिल लिखा हुआ भाई, है। हाँ हाँ कुरान की आयत भी है ना, मा काना मुहम्मदिन अबा आदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खतमन नबी, हाँ यानी हाँ यानी मोहम्मद तुम में से किसी के बाप नहीं लेकिन वो अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं। तो इसका मतलब अगर कोई नबी को खातमुन नबीयीन या रसूल या नबी नहीं मान रहा है मोहम्मद अरबी को, तो आयत का इनकार कुरान का कर रहा है, इनकार कर और रहा है। अगर आयत का इनकार कर रहा है, कुरान का इनकार कर रहा है, तो फिर वो मुसलमान नहीं रहा भाई, है ना। तो कुरान की आयत है मा काना मोहम्मद अबा आदिम रिजालकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबीयीन, समझ रहे भाई। और जाकिर नायक साहब का वीडियो मेरे हाँ पास है समझ रहा जिसमें वो हूँ। कह रहे हैं कि अगर कोई अल्लाह पर यहाँ ईमान नहीं ला रहा है, मुसलमान नहीं, तो जन्नत नहीं जाएगा। आप कहें तो हम उसका लिंक दे देंगे, आप चेक कर लीजिएगा। और दूसरा देखो नहीं कि वो मैंने आप सुना है कि हाँ कि हाँ बोलिए साहिल हाँ, भाई, मुझे ये बताओ कि शिर्क की जो बात कही आपने ये तो एकदम इलॉजिकल बात है, वो इस वजह से कि खुदा को गुस्सा आ जाएगा। आपने कहा, मुझे बताओ क्या खुदा आसमान पे दिखता है? नहीं भाई नहीं दिखता है, राइट? अगर खुदा दिख रहा होता और उसके बाद अगर उसका कोई इनकार करता फिर गुस्सा अगर अल्लाह को आता तो समझ में आता। अल्लाह तो हाँ आसमान वो पे बात दिख है नहीं ना। रहा है ना, क्योंकि एब्सोल्युटली है ना ये चीज कि अल्लाह है। हाँ सही बात है, ये बात पे गौर करना, ये एब्सोल्यूट चीज नहीं है कि अल्लाह दिख रहा है उसके बाद कोई इनकार कर रहा है तो अल्लाह का गुस्सा जायज है। अल्लाह दिख नहीं रहा है भी क्या नहीं है वो भी नहीं मालूम है, फिर उसको किस बात की चिढ़, हाँ किस बात का गुस्सा? वो पॉइंट है आपका, वैलिड पॉइंट है आपका। और दूसरा ये और बताओ, दूसरा ये बताओ कि आपने किसी को काम पे हायर किया, ठीक है, आपने किसी को काम पे हायर किया, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको बॉस 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 बोले या जो काम के लिए रखा है वो काम करे, काम के लिए रखा है वो काम करे, है ना? वो आपको बॉस मानता नहीं मानता, दिल से मानता नहीं मानता, उससे आपको फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है? नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, किससे फर्क पड़ेगा? काम से फर्क पड़ेगा, अगर काम नहीं काम करेगा से तो। फर्क पड़ेगा, राइट? तो जो बाकी रिलीजियन में, या जैसे कि आप सनातन ले लीजिए, उसमें जैसा कर्म है, ठीक है, चलो मैं रिलीजियन का नाम नहीं लेता हूं, मैं बताता हूं कि जो कॉन्सेप्ट है वो अगर कर्म पे होता, जन्नत और जहन्नम, कि कोई अच्छा काम करेगा तो उसको अल्लाह जन्नत देगा, जो बुरा काम करेगा उसको जहन्नम देगा, तो यहां तक तो ये तो लॉजिकल है। लेकिन इस बात पे जहन्नम देना कि भाई मेरी इबादत नहीं करता था किसी और की करता था, हालांकि वो दिख भी नहीं रहा, उसको कोई ढूंढ भी नहीं सकता, उसकी बातें इलॉजिकल है, उस पे किसी को हमेशा हमेशा के लिए जलाना, तो ये तो भाई बिल्कुल नाइंसाफी है। हाँ ये बहुत ही, मैं बोलूँगा बहुत ही क्रूल थिंग है इस्लाम का, कि हमेशा हमेशा की जान कोई कैसे बर्दाश्त करेगा यार, हमेशा हमेशा के लिए कोई जलेगा कैसे, यानी मेरा दोस्त ही है समझ लो कोई, तो वो किसी के बस की बात नहीं है कि वो ऐसा कोई हो सके। हेलो साहिल सर, तो हाँ, एक मिनट एक अपने प्यारे भाई, हमारी एंजल जी भी आ चुकी है। एंजल जी आपका स्वागत है, इस्तकबाल थैंक यू, बस इनके ही बात पे बोलना चाह रहे थे, एक बात इनके ही पॉइंट पे, ये कह रहे हमेशा हमेशा कोई कैसे जलेगा। अगर ये एक सोच लीजिए हमेशा हमेशा का क्या मतलब है, जब आदमी को एक बार ही डालेगा तो एक ही बार में उसका काम खत्म है, तो वो हमेशा कैसे जलेगा, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। जब किसी नहीं, चीज में वो एंजल जी वो एक अलग पॉइंट है कि नहीं, वो तो यहाँ पे वो बात ही गलत हो जाता है ना कि हमेशा हमेशा के लिए चलेगा। और दूसरा नंबर आप कह रहे कि अल्लाह ने बनाया तो बनाया, भेजे यहाँ है तो सबको मानना चाहिए, अगर कोई इनकार करता है तो फिर ये तो गलत हुआ ना। जब कोई पूरी दुनिया पूरी कायनात को बनाकर बैठा है, ठीक है, तो हम एक इंसान है, तो अब जैसे कि एक एग्जाम्पल, अगर पता नहीं सही है या गलत, लेकिन हम देना चाहेंगे कि अब जैसे आप ले लीजिए कोई एक्ट्रेस है ना, उसका जो फोटो होता है वो देखिए एक रोड पे फेंका रहता है, एक ट्रक के पीछे लगा रहता है, उस पर गालियां देते हैं लोग उसके पीछे, मतलब कुछ भी उसका फोटो के साथ करता है, ठीक है।
तो वैसा ही अल्लाह, तू उनको पता है कि मेरी औकात क्या है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके फोटो के साथ क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसको पता ही नहीं है, क्योंकि उसका पता है कि उसकी हैसियत क्या है, उसकी औकात क्या है। तो अगर अल्लाह को कोई मान रहा नहीं मान रहा, उससे उनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और वो ये नहीं कह सकते कि हम तुमको, तुम अगर मुझे नहीं मान रहे हो तो हम तुमको जहन्नुम में डाल देंगे। उनको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो उस लेवल का है कि कोई माने ना माने, वो अपना काम कर रहे, और जो 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 उन्होंने बनाया जिनको, वो अपना काम कर रहे हैं। वो उनको कहने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं था हर कदम पे कि हम तुमको जहन्नुम में डाल देंगे, हमेशा आग में जलोगे, तुम्हें ऐसी अजाब देंगे, ये कहने की जरूरत ही नहीं था, बस इतना ही। जी सही बात आप, हाँ सही है। समझ है तो भाई क्यों रहना फिर इस चीज में, इस जंजाल में, इस गंदगी में, इस इलॉजिकल कॉन्सेप्ट में। भाई तो कहाँ जाऊँ फिर मैं, आप बताओ। चलो हाँ अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक मिसाल देता हूं कि आपके घर में गंदगी है, गंदगी बहुत छोटी चीज होती है, ये समझ लीजिए कि आपके घर में बॉम्ब है, ठीक है। अब कोई किसी ने आपको बता दिया प्रॉपरली और साबित भी कर दिया कि आपके घर में बॉम्ब रखा हुआ है, आप क्या उससे ये सवाल करेंगे कि मुझे पहले दूसरा घर दो तो मैं इसमें से निकलूंगा, या फिर घर से निकल जाओगे पहले अपने उस घर से पहले? नहीं साहिल भाई, सिचुएशन क्या है पता है, कि बॉम्ब मेरे लिए है, पर मेरे माँ बाप के लिए बॉम्ब नहीं है, मेरे दादा दादी के लिए बॉम्ब नहीं है, मेरी बीवी के लिए बॉम्ब नहीं है। तो उनके लिए तो वो समझ लो मिठाई है, बात को समझो आप। तो अभी तो उसके लिए आप क्या कर सकते और हैं? मैं जो जिस जगह पे रहता हूँ ना भाई, मैं जिस जगह पे रहता हूँ ना, वो ऐसी ही जगह है कि पूरी इस्लामिक कम्युनिटी है यहाँ पे, यानी ठीक है, मैं समझ भाई गया आपका मसला, समझ गया। आपको कौन कह रहा है कि किसी को बताइए कि मैंने इस्लाम को छोड़ दिया, या किसी से तस्करा कीजिए, कौन कह रहा है भाई? आप गलत समझ रहे हैं ना। तो ठीक है, अपने आगे वाले या आगे आने वाली जो नस्लें रहेंगी उनको उस तरीके से ढालना, इस्लाम की शरिया में ना ढालना, है ना, उनको दीन की तालीम देने के बजाय दुनियावी तालीम देना। फिर हमें अब्दुल कलाम चाहिए यार इस देश को, समझ रहे ना भाई? सही बात है। तो बोलने का मकसद यह है प्यारे भाई कि हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप जाके सबको बताना शुरू कर दे, आप एटलीस्ट आप गलत मानते हैं क्या, आप निकल जाइए, उसके बाद अगर आपके बच्चे हैं औलाद है तो उनको इस जंजाल में फंसने नहीं दीजिए। धीरे धीरे अगर हो सकता है कोशिश कर सकते हैं, आपकी वाइफ अगर थोड़ी समझदार है तो आहिस्ते आहिस्ते उसको डोज देना स्टार्ट करो, उसको भी ये मत बोलो कि आपने छोड़ दिया, नहीं, आप उससे एक एक बात रखो और देखो कि किस तरीके से वो रिएक्ट करती है, समझदार है या नहीं है। अगर वो थोड़ा बहुत अक्कल लगा रही है तो थोड़ा थोड़ा करके देखो, वो भी निकल जाए तो बड़ी बात हो गई। फिर उसके बाद अगर आपके माँ बाप पढ़े लिखे हैं नहीं है, उन पे ट्राई कर सकते हो क्या, मेहनत कर सकते हो क्या? अगर नहीं कर सकते तो मत करिए, एटलीस्ट आपकी फैमिली जो है या आपके बाद जो मेरे जनरेशन आपकी पेरेंट्स अभी हंस आएगी, रहे हैं। हाँ ठीक है, वो जब भी आ जाए तो एटलीस्ट जो आपकी जो औलाद है, आपकी बीवी, ये तो कम से कम इस झंझट में, इस बेकार से मजहब में नहीं रहेंगे ना। समझे भाई? बिल्कुल साहिब भाई, मैं कोशिश, पहले तो मैं ठीक पहले है साहिब आप खुद भाई, मुतमईन हो जाओ कि ये एक गंदा मजहब है, इसमें मुझे नहीं रहना, बताओ नहीं वो एक अलग मसला है, लेकिन कम से कम आप कंफर्म हो गए, आपको ये यकीन हो गया कि यार ये क्या इलॉजिकल, और आप देख लीजिए कोई भी चीज लॉजिकल नहीं है, कोई भी कॉन्सेप्ट। मैं तो आपको एक छोटी हाँ बात बताता यानी एक चीज होती है, एक चीज आपकी सही है कि हूँ। इस्लाम के अंदर सर्कल ही घूमता है बहुत सारी सर्कल ही जगह है पे। ना, हाँ मेरे को आज तक किसी ने ये जवाब नहीं दिया कि अल्लाह को इंसानों का टेस्ट लेना ही क्यों था, है किसी के पास जवाब है? टेस्ट लेना नहीं ही साहिब, क्यों था? सही अच्छा बात है बना साहिब। देता, दुनिया को ही जन्नत बना देता या एक जन्नत में ही डाल देता, टेस्ट लेना क्यों था? जैसे इसका कि मेरा जवाब आज भी तक और ता कयामत तक मेरा ये सवाल का जवाब जो है कोई नहीं दे सकता, वैसे मेरे कन्विंसिंग पास भी आंसर कोई ऐसे नहीं दे क्वेश्चंस है सकता कि भाई जो अल्लाह ने टेस्ट लिया ही क्यों, क्या वजह थी, अल्लाह को टेस्ट लेने की क्या वजह थी, अल्लाह को क्या मिला,
ये सवाल का जवाब आज तक कोई भी मोमिन किसी ने नहीं दिया, कन्विंसिंग आंसर कोई एक अच्छा आर्ग्यूमेंट किसी किसी ने भी नहीं दिया। इंसान लोग क्यों टेस्ट लेते हैं? जैसे कोई बोलेगा हम लोग भी तो लेते हैं ना एग्जाम, अरे हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि ये हमारी जरूरत है। टेस्ट इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मुझे बंदा चाहिए। यानी अगर मैं कंपनी में हूं तो मेरा रिक्वायरमेंट डेवलपर की है, मैं लिमिटेड इंसान हूं, ठीक है, मुझे डेवलपर की जरूरत है तो डेवलपर ही अंदर आए और वो मेरा काम करके दे, इस वजह से मैं उसका टेस्ट लेता हूं। सही बात है। अगर मेरे में पावर है कि कोई भी ऐरा गैरा नत्तू खैरा उसको मैं अपनी पावर से डेवलपर बना सकता हूं, तो भाई क्या मैं टेस्ट लूंगा क्या, सीधा उसको डेवलपर बना दूंगा? हाँ, यानी दुनिया की बात और वो बात पूरी अलग है, आपकी बात मैं इनकार नहीं करूंगा यहाँ पर, है ना, मैं समझ पा रहा हूँ जो कह रहे हैं। टेस्ट तो आदमी जरूरत के हिसाब से लेता है कि उसकी जरूरत होती है उसका फायदा होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल बेमतलब सी चीज है कि अल्लाह को टेस्ट लेने की जरूरत पड़ी ही क्यों, क्या उसका फायदा? सही बात, कोई आंसर नहीं। तो सारी के सारे जो मेजर कॉन्सेप्ट है इस्लाम का वो सारा इलॉजिकल है भाई। साजिद कुछ बोल रहा था यार, आई एम रियली सॉरी। साजिद बोलो। नहीं कोई नहीं, मैं ये कह रहा था इसमें अगर तकदीर का अपडेट कर दे, आपने जो बात बोली है तो लाला जी की स्ट्रीम हुई था, आप उसको भी देख लीजिएगा भाई जान, है ना, सैटरडे की स्ट्रीम थी एडम सीकर उर्दू के चैनल पे। तो तकदीर में लिखा हुआ है जो, तो क्यों पहले अल्लाह ने लिख दिया कि साजिद इस्लाम छोड़ेगा या साहिल इस्लाम छोड़ेगा, यार क्यों ऐसा क्यों किया? मुझे अच्छा भी तो लिख देता, क्योंकि जो खुदा ने लिख दिया साजिद वही करेगा, साजिद अपने मन से कुछ नहीं कर रहा है, तकदीर में अल्लाह ने लिख दिया पहले से कि मोहम्मद एक पैदा होंगे 1400 साल पहले, वो रसूल होंगे, साजिद एक पैदा होगा वो इस्लाम लाएगा फिर वो काफिर हो जाएगा। तो ये मैं खुद से तो कर नहीं रहा हूँ भाई, समझ रहे ना? हाँ सही बात है। चलिए आज हमारे रमीज साहब का भेजा जो है दिमागी अपंग निकल गया, आई होप वो अपने घर वाले के अंदर ये दिमागी अपंग आने नहीं देंगे, खास करके उनकी जो नस्ल चलेगी। रमीज भाई के लिए एक गुलाब का फूल हो जाए यार, लाइव सेशन में एक हमारे प्यारे भाई ने इस्लाम को छोड़ा और इसकी हकीकत को समझा, तो एक गुलाब का फूल तो बनता ही है रमीज भाई के लिए। बिल्कुल, और भाई जान किसी को बतलाने की जरूरत नहीं, किसी को अपना बताए, आप जिस तरह पहले रहते थे उसी तरह रहे, नमाज पढ़ने जाते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर आप समझ रहे हैं जिस तरीके से, उसको भी धीमे धीमे तरक्क कीजिए, पीछे जाइए, है ना, फिर आप तो वैसे भी नहीं पढ़ रहे थे, हल्के फुल्के हल्के फुल्के पहले ही बता दिया था होती है कभी। और जो सबसे करीबी आपके हैं, आपकी शरीकी हयात, आपकी अहलिया होंगी, आपकी वाइफ होंगी, तो उनको धीमे धीमे बतलाइए हकीकत इस्लाम के। फिर औरतों को क्या हक दिया गया, ये एंजल जो ऊपर बैठी है ना, इनका भी चैनल है, उन पे जाकर के देख लीजिएगा औरतों को क्या हक दिया गया क्या नहीं दिया गया, है ना। तो धीमे धीमे वो भी उस रास्ते से निकलेंगी, जब आपके बच्चे होंगे तो उनको दीनी तालीम की जगह दुनियावी तालीम दीजिए, IAS बनाइए, IPS बनाइए, साइंटिस्ट बनाइए ना, फिर देखिए देश तरक्की करता है। हां बिल्कुल ठीक है रमीज भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। साहिल भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, साहिल भाई और साजिद भाई और एंजल एवरीवन, लाइक बाय बाय, थैंक यू सो वेरी मच।